घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बिजनेस जिसकी हमेशा डिमांड बनी रहे और जो आपको लखपति बना दे, ऐसा बिजनेस करना हर कोई चाहता है, लेकिन जानकारी के अभाव में या तो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर उनको नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस की पूरी डिटेल देने वाले हैं जिसका नाम है कटीले तार का बिजनेस, या फिर जिसे वारवेट बायर भी कहते हैं। इस बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज घर हो या खेत, सबको सुरक्षा की ज़रूरत होती है दोस्तों, और ये सुरक्षा आपको एक कटीले तार की फेंसिंग देती है। इसलिए इन तारों को खेतों में चारों तरफ लगा हुआ आपने देखा ही होगा और आप वीडियो में भी देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वारवेट वायर बनाने का बिजनेस क्या है, साथ में इसको जरूरी सामान क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, मशीन क्या लगेगी, रॉ मटेरियल और मशीन कहाँ से खरीदें, टोटल इस बिजनेस में लागत कितनी होगी, टोटल कमाई कितनी होगी, प्रोडक्ट को कहाँ पर बेचे, क्या क्या लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और सबसे मेन चीज ये है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे, और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस के लिए सरकार की सहायता से सब्सिडी या लोन आप किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में काफी ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो आप लोन और सब्सिडी की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस बिजनेस में आपको मशीन से, जो कि सेमी या फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है, उससे बारबेड वायर बनाना होता है, और बारबेड वायर बनाकर उन्हें बेचकर आप आसानी से लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। बारबेड वायर का बिजनेस आज सबसे कम कंपटीशन वाला बिजनेस है, क्योंकि हर कोई इसको बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता है। तो आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, आप अंत तक बने रहें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल और मशीन क्या क्या लगेगी। तो दोस्तों रॉ मटेरियल अगर बात करें तो जीआई सीट का रोल आता है, एक मैच का आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा उसको पैकेजिंग करने के लिए कुछ प्लास्टिक लेना पड़ेगा, और वायर रोल क्लिप आती है जो उनको बांधने के लिए। तो ये दो से तीन रॉ मटेरियल में आपका काम हो जाएगा। ये कहाँ से खरीदें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं दोस्तों मशीन, तो मशीन की अगर बात करें, अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं तो आप फुली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं, जिसमें आपको बस वायर फंसाना है और वो क्लिप बनती जाएंगी। तो इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कि यूटिलिटीज़ क्या क्या लगेगी, तो एक पावर कनेक्शन आपको लेना होगा। पावर कनेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि मशीन किस पर ऑपरेट हो रही है, थ्री फेज या वन फेज। वाटर कनेक्शन लेना पड़ेगा, मशीन की कूलिंग के लिए जरूरत पड़ सकता है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि आपको मशीन रखने के लिए कितनी जगह लगेगी, आपको रॉ मटेरियल जो आप बायर लाएंगे जीआई को उन्हें रखने के लिए कितनी जगह लगेगी, साथ में आपके जो प्रोडक्ट बन गया है जीआई वायर का, जो मैच बन गया, बारवेट वायर बन गया, उसको रखने के लिए कितनी जगह लगेगी, और आपको ऑफिस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपको एरिया का चुनाव करना है। मैन पावर, मैन पावर दो से तीन मैन पावर में आपको ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें, इसके लिए हम ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि रॉ मटेरियल मशीन आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, यहाँ से आप ये देख रहे हैं ये मशीन खरीद सकते हैं। 1,65,000 की ये मशीन है, ये 1,35,000 की मशीन है, ये 1,60,000 की मशीन है। इसी तरह की आप यहाँ पर मशीन खरीद सकते हैं जो कि 8 से 10 लाख तक की भी मशीन आती है, वो डिपेंड करती है कितनी ऑटोमेटिक मशीन है। बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेस की इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि मशीन की कॉस्ट लगभग 80,000 से 10 लाख तक की आती है, और ये मशीन की कॉस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि प्रति घंटे या प्रतिदिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस हिसाब से आप मशीन 80,000 से 10 लाख के रूप में ले सकते हैं। जीआई वायर जो मैच है उसकी कॉस्ट अगर देखें दोस्तों, हर जगह अलग अलग है। तो लगभग अगर बात करें तो 50 से 60 रुपये प्रति केजी में आपको मिल सकता है, ये 5 से 10 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग चार्जेस होते हैं। और जब आप ये वायर आपकी जगह पर मंगाएंगे तो 5 रुपये पर केजी कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, और इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बात करें तो 5 रुपये प्रति केजी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो 60 रुपये में लगभग आपका 1 केजी वायर का जो मेस है वो तैयार हो जाएगा। मतलब बारवेट वायर अगर 1 केजी की बात करें तो लगभग 60 रुपये में आपका रेडी हो जाएगा। बात कर लेते हैं बिजनेस प्रॉफिट। एक अगर फुली ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो 125 से 150 केजी पर आवर का आपका बारबेड वायर बन जाएगा, और अगर आप पूरे दिन में 10 घंटे तक की मशीन चलाते हैं तो लगभग 1250 प्रति केजी आप बना सकते हैं पूरे दिन भर में बारबेड वायर। हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि 1 टन लगभग 1000 केजी आप बारबेड वायर बना लेते हैं।
अगर बार्बिट वायर की जो चैन होती है दोस्तों, अगर वो मार्केट में आप सर्च करेंगे तो 70 से 80 रुपये प्रति केजी में मिल रही है, और आपका जो कॉस्ट आया था वो 60 रुपये प्रति केजी आया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 10 रुपये आपको पर केजी मुनाफा हो रहा है। और अगर दिन भर में आप 500 केजी का भी प्रोडक्शन करते हैं और उसको मार्केट में अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके बेचते हैं तो लगभग 5,000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, और ये 5,000 रुपये प्रतिदिन महीने का 1,50,000 रुपये हो रहा है। तो ये जो आपको हमने कमाई बताई है, कमाई इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपका प्रोडक्शन जितना हो रहा है आप उतना ही सामान मार्केट में बेच भी रहे हैं। तो एक अच्छी प्लानिंग करके आप इस बिजनेस में 5,000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हो दोस्तों प्रोडक्ट कहाँ बेचें, तो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर ऑफलाइन बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस चल रहा है तो ऑनलाइन चल रहा है, तो आप ये वायर जो है इंडिया मार्ट वेबसाइट पर बेच सकते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट पर बेच सकते हैं, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी बेच सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर आप ये बेच सकते हैं। अपना खुद का फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पर बनाइए, यूट्यूब पर बनाइए, वहाँ पर भी बेच सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑफलाइन, ऑफलाइन आप लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, कई दुकानदारों के पास रख सकते हैं, हार्डवेयर की दुकान पर रख सकते हैं, गांव में जा जाकर प्रचार कर सकते हैं, इस तरीके से आप बेच सकते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस की अगर बात करें तो आपको अगर टैक्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको GST लाइसेंस लेना पड़ेगा। MSME से उद्योग आधार नंबर ले लेंगे तो आपको भारत सरकार की जो भी सब्सिडी प्लान है, जो भी स्कीम है, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। तो आप MSME से उद्योग ले लें। ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ेगा, लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन जो कि भारत सरकार देती है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए आप लोन और सब्सिडी कैसे ले लें, तो भारत सरकार की दो ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। पहली है PMEGP योजना, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरी जानकारी दी है कि आप PMEGP से कितना लोन ले सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां देखें। और दूसरी योजना जिससे आप सब्सिडी ले सकते हैं वो स्टैंड अप इंडिया, तो इसके तहत भी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो ही हमारी इस बार्बिट वायर बिजनेस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हमने वीडियो को किस तरीके का बनाया है। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, वो डिस्क्रिप्शन मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। और साथ में उसके पास है बेल आइकन, उसे भी दबा दें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।